वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपको भारत के एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग की यात्रा की ओर लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर स्थित इस प्राचीन काल में इस नगर का नाम अवंतिका भी था। शिप्रा नदी के तट पर यह मंदिर कई उतार चढ़ाव देख चुका है। आक्रांताओं ने इसे कई बार तोड़ा, फिर भी हर बार इसका नवनिर्माण होता रहा और आज भव्यतम रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। वर्तमान स्वरूप इसकी भव्यता पर चार चांद लगा रहा है। इसका विशाल प्रांगण आप जिसमें अंदर जाते ही समाहित हो जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत की प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थलों में पवित्र माना जाता है। उज्जैन नगर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी महाकालेश्वर के नाम से पूजा की जाती है और उसे भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा इस स्थल को और भी ज़्यादा पवित्र और पूजनीय बना चुकी है। यहाँ प्रतिदिन भगवान की आराधना और पूजा का आयोजन होता है, जिससे इस स्थान की धार्मिकता और सुकून का एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थल बन गया है। उज्जैन शहर के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा श्री गणेश, पार्वती, काली व अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित है। अब हम मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इस स्थान के आगे हमें कैमरा ले जाना वर्जित है, इसलिए हम मंदिर के भीतर का दृश्य आपको नहीं दिखा सकते। श्रद्धालुओं की निरंतर भीड़ आपको देख सकते हैं। इसमें सभी तरफ भगवान शिव महाकाल के जय जयकार वातावरण में गुंजायमान है। यह हम मंदिर के पुराने परिसर में स्थित है, जहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित था, उस जगह पर हम हैं। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के तीन स्वरूपों की पूजा की जाती है। आपके सामने अब यह मंदिर का, इसमें बहुत सारे मंदिर विद्यमान है जिसमें अलग देवताओं की पूजा की जाती है। ये मेन मंदिर है जो प्राचीनतम था, जिसमें ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी। ये तीन भागों में स्थित है। तीन मंजिला यह इमारत प्राचीनतम और भव्यतम है, जिसमें नीचे महाकालेश्वर, ऊपर ओमकारेश्वर और तीसरी मंजिल पर नागेश्वर मंदिर है। यह स्थान हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज के साथ कुंभ मेले के आयोजन के लिए भी जाना जाता है। इसमें लाखों श्रद्धालु एकत्र होकर स्नान करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, सामने भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु की विशाल काय मूर्तियां स्थापित है। विशाल काय इनकी रचना देख के हम समझ सकते हैं इनका निर्माण कितना भव्यतम किया गया होगा। पौराणिक पुरातन कथाओं के अनुसार महाकाल ज्योतिर्लिंग का विकास भगवान शिव के विभिन्न रूपों की कथा से संबंधित है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ आकर अपने भक्त भागीरथ की प्रार्थना को स्वीकार किया था और गंगा जी को अपने जटाओं में समाहित कर लिया था। इससे यहाँ पर महाकाल ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार महाकाल ज्योतिर्लिंग का नामांकन देवी पार्वती ने किया था। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, वे उनको इस रूप में देखना चाहती है जिससे वह सब प्राणियों को आत्मा के अद्वितीयता का ज्ञान देते हैं। इस पर भगवान शिव ने उन्हें महाकाल रूप में दर्शन दिए और उन्हें दिखाया कि सभी जीवों की मृत्यु होने के बावजूद वे अमर है, अजर है। इसके बाद माता पार्वती ने उनके इस रूप को महाकाल नाम से संबोधित किया और इसी नाम से पूजा जाने लगा। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर
अति प्राचीन है। मंदिर का स्थापना द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पालनहार नंदी जी की आठवीं पीढ़ी पूर्व हुआ था। यहाँ आप देख रहे हैं भगवान शिव नाग के ऊपर सिंहासन बना के बैठे हैं, विराजित है। इसको एक वृत्ताकार आकार में देके बहुत ही अच्छा सा कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके अंदर से हम यहाँ से इस मूर्ति के भव्यतम दर्शन होते हैं, जिसको देखकर हम आत्म विभोर हो जाते हैं। तो आप भी हमारे साथ में इस मनोरम दृश्य का आनंद लें। यह सामने रुद्र सागर का एक भव्यतम दृश्य आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर को किया गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल परिसर का विस्तार 20 हेक्टेयर में किया जा रहा है। विस्तार के बाद महाकालेश्वर मंदिर परिसर उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब हम आपके सामने यह परिसर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से बना है। आपके सामने शिव के स्वरूप हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। यह प्रतिमा गजासुर वध को दर्शाती है। महाकाल कॉरिडोर पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे पर विकसित किया गया है। यहाँ भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक उत्सव से जुड़ी हुई 200 मूर्तियां और भित्ति चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हर एक भित्ति चित्र की कथा इस पर स्कैन करके सुन सकते हैं। सप्तऋषि, नवग्रह अंकन, शिव स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार पर विराजित नंदी की विशाल प्रतिमाएं मौजूद है। महाकाल कॉरिडोर में देश का प्रथम नाइट गार्डन भी बनाया गया है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का काम करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसके तहत प्रथम चरण में महाकाल पथ, रुद्र सागर का सौंदर्यीकरण, विशाल धाम आदि कार्य पूरे किए जा चुके हैं। विस्तारीकरण के कामों के बीच में हाल ही में महाकाल पथ श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। त्रिवेणी संग्रहालय के पास महाकाल पथ का एक बड़ा द्वार बनाया गया है। 900 मीटर से अधिक लंबा महाकाल लोक कॉरिडोर, श्री महाकालेश्वर कॉरिडोर पुरानी रुद्र सागर झील के चारों ओर फैला हुआ है। उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के क्षेत्र का पुनर्विकास करने की परियोजना के तहत रुद्र सागर झील को पुनर्जीवित किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना में 856 करोड़ रुपए की योजना अभी भी प्रस्तावित है और राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित यह देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु व आते हैं। यहाँ पर दो द्वार मेन बनाए हैं, नंदी द्वार और पिनाकी कॉरिडोर के लिए दो भव्य प्रवेश द्वार है। इस दृश्य में भगवान शिव समुद्र मंथन के दौरान उत्पत्त विष को पान कर रहे हैं। विष के पान करने से उनका गला नीला हो गया था, तब से उनको नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं। पिनाकी द्वार के समीप ही त्रिवेणी संग्रहालय बनाया गया है। इस संग्रहालय में त्रिवेणी कला, महत्वपूर्ण पौराणिक ग्रंथ व साहित्यिक रचनाओं को रखा गया है। महालोक के दाहिनी ओर कमल ताल, शिव स्तंभ, सप्तर ऋषि परिसर, पब्लिक प्लाजा और नवग्रह परिसर बनाए गए हैं। कमल ताल में
भगवान शिव की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही भगवान शिव की विवाह हेतु रवानगी शिव विवाह जल की भी दिखाई गई है, जिसमें शिव बारात प्रस्थान कर रही है। नंदी पर सवार सफेद कलर के ये मूर्तियां इसकी भव्यता को चार चांद लगा रहे हैं। यहाँ पर इस मूर्ति में भगवान शिव के मस्तक पर भगवान विष्णु द्वारा चंद्र धारण का दृश्य दिखाया गया है। देश की सबसे लंबी भित्ति चित्रावली दीवार यहाँ पर बनाई गई है। इस पर शिव पुराण की भित्ति चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे कि भगवान गणेश का जन्म, सती की कहानी, दक्ष की कहानी आदि। द्वार के बाहरी हिस्से में महाकाल लोक में प्रवेश करने से पहले नंदी द्वार बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश के दर्शन होते हैं। द्वार पर नंदी की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ स्थित त्रिवेणी मंडप में भगवान शिव की मूर्ति के साथ एक विशाल फव्वारा भी है। अन्य फव्वारे रुद्रसागर झील के सटे हैं। लगभग 190 मूर्तियां भगवान शिव व अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को दर्शाती है, जो गलियारे के किनारे पर स्थित है। इस स्थान पर बाबा महाकालेश्वर के दर्शन पर आए श्रद्धालु माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान शिव के कुल 8 स्वरूप महाकाल लोक दर्शन में उपलब्ध है। कॉरिडोर में शिव पुराण से संबंधित कहानियों के भित्ति चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। गलियारे में कुल 108 स्तंभ और 2 भव्य प्रवेश द्वार है। 920 मीटर लंबा कॉरिडोर पूरा मंत्र मुग्ध करने वाला मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। भित्ति चित्र महाकवि कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्य मेघदूत से महाकाल वन की अवधारणा को दर्शाते हैं। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर और उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के बाद यह उत्थान देखने वाला तीसरा ज्योतिर्लिंग स्थल है। हालांकि उज्जैन का महाकाल लोक गलियारा वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर गलियारा से 4 गुना बड़ा है। जैसा पहले बताया जा चुका है, यह भगवान का स्वयंभू रूप है। महाकालेश्वर दुनिया के भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जहाँ तक कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास है, उसके अनुसार इसकी स्थापना द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पालनहार नंदी जी की 8वीं पीढ़ी पूर्व हुआ था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर महाकाल दक्षिणमुखी होकर विराजमान है। मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। ईसा पूर्व 6 शताब्दी से धर्म ग्रंथों में उज्जैन के महाकाल मंदिर का उल्लेख मिलता आ रहा है। उज्जैन के राजा प्रद्युत के काल में ईसवी पूर्व 2 शताब्दी तक महाकाल मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के प्राप्त संदर्भों के अनुसार ईसवी पूर्व 6 सदी में उज्जैन के राजा चंद्र प्रद्युत ने महाकाल परिसर की व्यवस्था के लिए पुत्र कुमार संभव को नियुक्त किया था। 10वीं सदी के अंतिम दशकों में संपूर्ण मालवा पर परमार राजाओं का अधिपत्य हो गया था। इस काल में रचित काव्य ग्रंथों में महाकाल मंदिर का सुंदर वर्णन आया है। 11वीं सदी के 8वें दशक में गजनी सेनापति द्वारा किए गए आघात के बाद 11वीं सदी के अंत में और 12वीं सदी के प्रारंभ में उदयादित्य व नरवर्मा के शासनकाल में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। सुल्तान इल्तुतमिश ने पुनः आक्रमण कर महाकालेश्वर मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, किंतु महत्व मंदिर का तब भी बना हुआ था। 18वीं सदी में 4थे दशक में मराठाओं द्वारा मालवा पर अधिकार होने के पश्चात पेशवा बाजीराव प्रथम ने उज्जैन का प्रशासन अपने विश्वस्त सरदार राणोजी शिंदे को सौंपा। राणोजी के दीवान सुकटंकर रामचंद्र बाबा सैणवी थे।
इन्होंने ही 18वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वर्तमान महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर में सबसे नीचे भाग में स्थित है, मध्य भाग में ओकारेश्वर, सबसे ऊपर भाग में नागचंद्रेश्वर मंदिर है जो सिर्फ नागपंचमी को खुलता है। यह मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा शैलियों का अद्भुत समन्वय है। मंदिर में 118 शिखर स्वर्णमंडित है। यह भी कहा जाता है महाकाल मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य के समय में हुआ था, जिसकी तारीख संबंधित काल के आसपास 16वीं व 7वीं सदी मानी जाती है। कहा जाता है उज्जैन में कोई भी राजा रात्रि निवास नहीं करता है, सिर्फ विक्रमादित्य के बाद में किसी भी राजा ने यहाँ पर रात्रि निवास नहीं किया। यहाँ पर हर 12वें साल में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन महाकाल मंदिर को इल्तुतमिश ने ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद औरंगजेब ने यहाँ पर मस्जिद बना दी थी। मंदिर का पुनर्निर्माण ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के संस्थापक महाराजा राणोजी सिंधिया ने किया था। उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप सिंहस्थ समागम दोबारा शुरुआत किया गया। इतिहासकार जानते हैं महाकाल के ज्योतिर्लिंग को लगभग 500 साल तक मंदिर के भग्नावशेषों में ही पूजा जाता था। मराठा साम्राज्य का विस्तार करने के लिए निकले ग्वालियर मालवा के तत्कालीन सूबेदार व सिंधिया राजगण के संस्थापक राणोजी सिंधिया ने जब बंगाल विजय के रास्ते में उज्जैन का पड़ाव किया तो महाकाल मंदिर की दुर्दशा को देखकर उनका खून खोल गया। उन्होंने वहां अपने अधिकारियों को उज्जैन के कारोबारियों को आदेश दिया, बंगाल विजय से लौटते ही महाकाल के लिए वे भव्य मंदिर बन जाना चाहिए। राजमाता विजयराजे सिंधिया ने अपनी आत्मकथा राजपथ से लोकपथ में लिखा। राणोजी ने अपना संकल्प पूरा कर जब वापस उज्जैन पहुंचे तो नवनिर्मित मंदिर में उन्होंने महाकाल की पूजा अर्चना की। इसके बाद राणोजी ने ही 500 साल बाद बंद सिंहस्थ आयोजन को दोबारा स्टार्ट किया था। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण के दौरान महाकाल मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उस वक्त पुजारियों ने महाकाल ज्योतिर्लिंग को कुंड में छिपा दिया। राणोजी सिंधिया ने मंदिर को पुनर्निर्मित कर ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना की और साथ ही उस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इतने लंबे इतिहास के बाद में आज यह मंदिर अपनी भव्यता को निरंतर भव्यतम रूप धारण कर रहा है। तो जब भी मौका मिले इस भव्य कॉरिडोर को देखने के लिए जरूर पधारें। हो सकता है जब आप आएं तो यह कॉरिडोर और भी भव्यतम रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो। जय महाकाल।